हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पॉलिटिकल साइंस में यूनाइटेड नेशंस का चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया उसमें पार्ट वन तो आपको दे चुका हूँ, आज पार्ट टू आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उसका रीज़न क्या है कि ये चैप्टर जो है वन वीडियो में कंप्लीट होने वाला नहीं, और मैं भी चाहता हूँ कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन बनी रहे। तो पार्ट टू में हम जो मेन पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले क्या है, रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। उसके बाद फिर आएगा जो टू रिफॉर्म्स की बात की गई है उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को लेकर, और दूसरा है ज्यूरिस्डिक्शन प्रोसेस को लेकर। इसमें टू टू रिफॉर्म्स फिर से आगे मेंशन किए गए हैं। फिर रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस की अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक ही बात सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि इसका जो अपॉइंटमेंट करने का तरीका है ना, जो अपने परमानेंट मेंबर्स को या नॉन परमानेंट मेंबर को कहते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस्ड है। तो ये स्ट्रक्चर जो है थोड़ा चेंज होना चाहिए। इसी बात को लेकर बार बार रिफॉर्म्स की बात आती है। अब जैसे रिफॉर्म्स ऑफ द, जैसे मैंने हेडिंग दिया है कि क्या क्या रिफॉर्म्स इसमें होने चाहिए कोल्ड वॉर के बाद इसमें क्या आए, तो रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट कहते हैं ये बिल्कुल फंडामेंटल होते हैं। कि देखो, आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कभी चेंज होने का चांस है ही नहीं, क्योंकि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें तो रिफॉर्म्स यानी उसको फ्लेक्सिबल बोला गया, रिजिड नहीं बोला गया। तो इसका रीज़न क्या है कि उसमें भी रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं वेन एवर द सिचुएशन डिमांड्स। तो यूनाइटेड नेशंस की भी बात यही थी कि रिफॉर्म्स इसमें होने के चांसेस पूरे थे, लेकिन फिर भी हम कहें जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसको माइंड में रखते हुए, या कहीं ना कहीं कुछ यूनाइटेड नेशंस की अगर ओवरऑल फिलॉसफी की बात करें, कहते हैं इसमें यहाँ ये प्रॉब्लम तो थी कि रिफॉर्म की पॉसिबिलिटी होते भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं अभी भी उठते हैं कि रिफॉर्म्स एज इट इज़ होने चाहिए। अब पहला रिफॉर्म देखिए कि जैसे टू बेसिक रिफॉर्म की बात की, एक तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और प्रोसेस को लेकर इन्होंने टू बेसिक रिफॉर्म रखे थे, और दूसरा था जो ऐसे इश्यूज़ हैं उनको विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जो है रिव्यू कैसे किया जाए। तो ये चीज़ आती है माइंड में। अब जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या प्रोसेस की बात करते हैं तो जो बिगेस्ट डिस्कशन था वो किसके बारे में था, द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। कहते जो इसकी जो फंक्शनिंग है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। और वो सबसे बड़ी क्या थी कि इंक्रीज़ किया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप को, ताकि जो रियलिटीज़ हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की वो बेटर रिफ्लेक्ट हों। देखिए, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रियलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिनके साथ इनजस्टिस होता है, मीन्स दे डिज़र्व टू बी अ बेटर प्लेस इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन उनको वैसा प्लेस नहीं मिलता, चाहे वो हर क्राइटेरिया को पूरा भी करती हैं। जैसे में इंडिया भी इसमें एक केस है इसका, इंडिया का भी, कि इंडिया भी जो है हर एंगल से देखे तो यूएन के जितने भी क्राइटेरिया बने हैं, मापदंड बने हुए हैं, उसमें खरा उतरता है, बट फिर भी यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। तो ये पहले बात ये है। दूसरी क्या है इसमें कि देयर आर प्रपोजल टू इंक्रीज मेंबरशिप फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, और तीसरा है साउथ अमेरिका। कहते भी साउथ अमेरिका से भी मेंबरशिप बढ़ा दो, एशिया और अफ्रीका से भी आप बढ़ा दीजिए। इसके अलावा जो यूएस और अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इम्प्रूवमेंट चाहती हैं किसमें, इन द यूनाइटेड नेशंस बजटरी प्रोसीजर्स और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में। कहते हैं हम चाहते हैं कि इसके जो बजट वाला प्रोसीजर है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो ये तीन पॉइंट हैं इसके स्ट्रक्चर को लेकर जिनकी बात की गई। लेकिन जो दूसरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, कि इसके ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, तो कुछ कंट्रीज़ का मानना क्या है कि एक्सपर्ट चाहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ग्रेटर रोल या मोर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए इन पीस एंड सिक्योरिटी मिशन। वो कहते भी देखो, इनका काम क्या होना चाहिए, जो पीस और सिक्योरिटी मिशन है उनमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करना चाहिए। ये कहते हैं इसकी ज्यूरिसडिक्शन में इसके ये आना ही चाहिए। और दूसरा क्या चाहते हैं कि इसके जो मेन रोल है वो क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट, उन्नति, विकास, या ह्यूमैनिटेरियन वर्क, या ह्यूमैनिटी के लिए जो वर्क लाइक हेल्थ को लेकर, एजुकेशन या इन्वायरमेंट यानी शिक्षा को लेकर, पर्यावरण को लेकर, पॉपुलेशन कंट्रोल को, या ह्यूमन राइट्स को, और जेंडर और सोशल जस्टिस। तो अब देखते हैं फर्स्ट रिफॉर्म जो है स्ट्रक्चर प्रोसेस में, उसमें जो यूनाइटेड नेशन के बारे में बात की गई है कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो ऑफकोर्स इट्स वेरी क्लियर 1945 में हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। लेकिन जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया और फिर बाद में इसने जिस तरीके से काम किया, अब देखियो ज्यूरिसडिक्शन में दो बातें आ गई, कुछ का मानना क्या था और अदर्स का मानना क्या था, लेकिन फिर इसकी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दिया कि 1945 में आने के बाद जिस तरीके से इसने काम किया तो रिफ्लेक्टेड द रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और आफ्टर द कोल्ड वॉर दोज रियलिटीज़ आर डिफरेंट, एंड हियर आर सम ऑफ द चेंजेस दैट हैव अकर्ड। और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आए भी हैं। तो सबसे पहला क्या है, एक तो कहते हैं रियलिटीज़ ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में
दूसरा चेंज क्या आया है वो आप नोट कीजिए, यही एक आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे बड़ा चेंज क्या है कि कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद ये मान के चलिए सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका है, सोवियत यूनियन ख़त्म हो चुका है, यूएस जो है वो स्ट्रोंगर पावर बन चुका है, ये दूसरा है। और जो रिलेशनशिप बिटवीन रशिया और जो सक्सेसर सोवियत यूनियन जो हैं उनके साथ और यूएस के, वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, रिलेशन में काफ़ी कोऑपरेटिव है, ये उस टाइम की बात कर रहे हैं। और नंबर फोर पे आता है चाइना, फास्ट इमर्ज कर रहा है एक ग्रेट पावर के तौर पे, और इंडिया भी जो है ग्रो कर रहा है रैपिडली, काफ़ी क्विकली। और जो इकोनॉमी है एशिया की, दे आर ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट, यानी पहले कभी ऐसा नहीं होता था, बट नाउ दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। और बड़ी सारी ऐसी कंट्री है, दे हैव ज्वाइन द यूएन एज दे बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सोवियत यूनियन और फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप, और ईस्टर्न यूरोप से भी जो कुछ स्टेट्स हैं उनसे भी जो है ज्वाइन कर लिया इसको यूनाइटेड नेशंस को। और एक न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस जो हैं वो वर्ल्ड जेनोसाइड को फेस, यानी दुनिया में देखो कितने सारे चैलेंजेस और बढ़ गए हैं, यानी जेनोसाइड की प्रॉब्लम है, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिन्हाला और तमिल की श्रीलंका में है, और गृह युद्ध भी हो जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, आतंकवाद है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या फिर न्यूक्लियर की जो एक्सपेरिमेंट करी जा रही है कंट्री, तो ये क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेकर भी एक हमारे सामने इशू हैं, और कुछ एपिडेमिक्स जैसे कि अभी कोविड को हमने फेस किया, तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो दुनिया फेस कर रही है। तो ये है रियलिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आज की पॉलिटिक्स की रियलिटी कि सोवियत यूनियन ख़त्म हो चुका है, उसके साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। लेकिन इन द सिचुएशन इन 1989 जो सिचुएशन थी, एक जैसी कोल्ड वॉर जो है एंडिंग पे थी, तो क्वेश्चन क्या था, क्या यूएन जो है वो इनफ कर रहा है जो भी कर रहा है, या इक्विप्ड है विद टू डू व्हाट इट रिक्वायर्ड, या फिर ये इतना इसको अपने काम का पता है कि मुझे काम तो करना ही है, और व्हाट शुड इट बी डूइंग एंड हाउ, कैसे ये सब कुछ होगा, एंड व्हाट रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, और कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो किए जाने बहुत ज़रूरी हैं बेटरमेंट के लिए। तो सो मैनी कंट्रीज़ कुछ सेटिस्फैक्ट्री और प्रैक्टिकल आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इन सभी क्वेश्चन का। अब देखिए जो रिफॉर्म्स हैं स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसिस की, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, तो इसमें क्या बोला गया है कि रिगार्डिंग, अगर हम बात करें यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की, 1992 जो यूएन की जनरल असेंबली हुई थी उन्होंने अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन, और दैट रेजोल्यूशन रिफ्लेक्टेड थ्री मेन कंप्लेंट्स, उसमें तीन कंप्लेंट थी 1992 में जो इसकी रेजोल्यूशन हुई थी। सबसे पहले क्या कि सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़, सिक्योरिटी काउंसिल कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को अब रिप्रेजेंट नहीं करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कोल्ड वॉर के बाद यूएन जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो सोवियत यूनियन के कलेप्स होने के बाद कुछ भी उसमें चेंज आए, एज इट इज़ देखो पांच की पांच कंट्री ही वहाँ की वीटो पावर की जो मेंबर हैं, वो चलो वो भी डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है, इसके जो डिसीजन है वो रिफ्लेक्ट करते हैं सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज़ और इंटरेस्ट, एंड सिर्फ कुछ ही पावर ऐसी हैं जो इसको डोमिनेट करती हैं, और इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, और इनमें इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हमें कहीं नज़र नहीं आता। तो अब यही तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कुछ कंट्रीज़ को इस भी, और इसीलिए जो धीरे धीरे ये रिस्ट्रक्चरिंग की डिमांड थी तो यूएन की जो इस बात को लेकर, तो 1 जनवरी 1997 को जो सेक्रेटरी जनरल हैं कोफी अनान, उन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई कि अब देखिए क्या इसमें रिफॉर्म किए जाएँ, भी चलो इंक्वायरी करते हैं कुछ ना कुछ होने चाहिए इसमें रिफॉर्म। तो फॉलोइंग्स जो हैं कुछ परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर के लिए, यानी ऐसे जस्ट सम ऑफ द क्राइटेरिया हैं जो होने चाहिए, जैसे नए मेंबर के लिए क्या कुछ होना चाहिए, एक तो मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, दूसरा मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर होना चाहिए यूएन के बजट के लिए, एक बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इस पॉपुलेशन हो, और ए नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। अब देखिए कौन सा ऐसा क्राइटेरिया जिसमें इंडिया खरा नहीं उतरता, और एक सिक्योरिटी एक यानी एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव, यानी मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाई इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी या इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर। तो अब देखिए ये सारे के सारे क्राइटेरिया दे गो इन फेवर ऑफ इंडिया, बट इवन देन इंडिया इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन कहते हैं कि इस क्राइटेरिया की भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे उन्होंने बोला मेजर इकोनॉमिक पावर, भाई कितनी कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर तो कितनी मिलिट्री होनी चाहिए, कुछ एक क्वेश्चन सभी भी हैं, यानी कितनी बड़ी इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर हो, या उसका कुछ एक क्राइटेरिया बताइए कि ये 5 लाख 10 लाख 50 हज़ार करोड़ कितना जो है, तो व्हाट लेवल ऑफ बजट कॉन्ट्रीब्यूशन इसका होना चाहिए। देखो यूएन के बजट में
आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना होना चाहिए ताकि वो काउंसिल के मेंबर बने, और वॉज ए बिग पॉपुलेशन एक असेट है या लाइबिलिटी? अब देखिए, हम कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है प्रॉब्लम है, लेकिन कहते हैं पॉपुलेशन बहुत होनी चाहिए। तो अगर यही तो बात करते हैं, इफ़ रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट वॉज ए क्राइटेरिया, तो कुछ एक्सेलेंट रिकॉर्ड्स वाली कंट्री भी हैं जो कि इस लाइन में आती हैं और उनको मेंबर होना चाहिए इसमें। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर पॉपुलेशन को ही आप ये सब क्राइटेरिया देते हैं, तो फिर तो ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, क्या वो इफेक्टिव मेंबर इसके बेसिस पे हो सकती हैं? तो हाउ कैन यू से दैट, और हाउ वाज द मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू बी रिजोल्व्ड? ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्या इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन अगर ज्योग्राफिकल टर्म्स में देखें मीन दैट यू आर द वन जिनको आपको एक सीट मिलेगी फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड लेटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, कैसा हो सकता है? तो यही तो एक क्वेश्चन मार्क है अभी भी, कि हम कहते तो हैं बट ऐसा हुआ नहीं। और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो कंसिस्ट करती है ऐसी कंट्री एट मेनी डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, और उनके कल्चर की बात करें वो भी डिफरेंट है, और डिफरेंट कल्चर्स और सिविलाइजेशन भी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन बैलेंस वे, कैसे उनको आप बैलेंस वे से लेंगे? हाउ डज वन डिवाइड द वर्ल्ड, कैसे कोई वर्ल्ड को डिवाइड कर सकता है, सिविलाइजेशन को या कल्चर को डिवाइड कर सकता है किसी भी देश के? तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा है, कि अगर आप सोचते हैं एशिया से एक कंट्री उठा लें तो एशिया से किस कंट्री को उठाएंगे, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर वो यही बात करते हैं कि इन क्वेश्चंस का अभी कोई जवाब नहीं मिला। तो ए रिलेटेड इशू वॉज टू चेंज द नेचर ऑफ मेंबरशिप ऑल टुगेदर, कहते हैं इसका जो एक और भी था, यानी कुछ लोगों ने तो ऐसा भी बोला कि जो वीटो पावर है 5 परमानेंट मेंबर के पास है वो बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के बिल्कुल अगेंस्ट है, या सोवेरियन इक्वालिटी जो यूनाइटेड नेशंस में हम कहते हैं भी इक्वालिटी है, तो कहाँ है बताइए कि 5 को एक्स्ट्रा पावर क्यों दे रखी है आपने? लेकिन फिर इसमें भी जो है वीटो पावर के बारे में भी एक प्लस पॉइंट है, वो कहते हैं कि देखो अगर वीटो पावर को हम हटा देते हैं तो जो 5 कंट्रीज़ हैं सुपर पावर्स हैं वो हो सकता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने छोड़ दें, कहे भी हमें भी क्या जरूरत है, दुनिया में कहीं भी कुछ मारकाट हो रही है तो होने दीजिए, हमने क्या करना है? तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से फिर उनको सोचना पड़ता है और वो वीटो पावर उनको देनी ही पड़ती है। तो ये मैंने जो है आपके साथ सेकेंड पार्ट इसका डिस्कस किया, बट टुमोरो आई विल ब्रिंग पार्ट 3। तो आप ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और कहीं भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन, आप जरूर देखिएगा, उसमें अपने को कमेंट दे दीजिएगा, अपना कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।